ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने जवाबी पलटवार किया और इससे अब ईरान के एक बार फिर से हमला करने का खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान की सेना भी हाई अलर्ट है और केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकर दावोस का अपना दौरा छोड़कर वापस आ गए हैं। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव को खत्म कराने के लिए चीन, तुर्की और रशिया एक्शन में आ गए हैं। चीन तो दोनों पक्षों को मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दे चुका है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वह तनाव को कम करना चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने के बाद ईरान से सुलह की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह और ज्यादा तनाव नहीं भड़काना चाहता। पाकिस्तानी मीडिया का ये दावा है कि रूस, चीन और तुर्की के दबाव के बाद अब ईरान ने तनाव कम करने का बड़ा संकेत दिया है। ईरान ने कहा है कि वह दुश्मनों को दोनों देशों के बीच रिश्तों को बिगाड़ने नहीं देगा। पाकिस्तान का भी ये मानना है कि ईरान ने सकारात्मक संकेत दिया है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि सबसे खराब समय चला गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि क्षेत्रीय देशों के दबाव के बाद पाकिस्तान और ईरान ने तनाव को कम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि चीन, रूस और तुर्की ने दोनों ही संघर्षरत देशों से कई दौरे की बातचीत की ताकि तनाव को कम किया जा सके। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने पाकिस्तान और ईरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की, दोनों से संयम बरतने की अपील की। इस बीच पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव को खत्म कराने के लिए भारत का दोस्त यानी रशिया भी अब एक्शन मोड में आ गया है। रूस ने इस अप्रत्याशित तनाव पर गंभीरता जताई है। रूस के राजनयिक जहां पर्दे के पीछे से दोनों ही देशों को मनाने में लगे हुए हैं, वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने ईरान और पाकिस्तान दोनों से ही अधिकतम संयम दिखाने के लिए कहा है। रूस ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ही अपने मतभेदों को कूटनीति के जरिए सुलझाएं, नहीं तो वे उन देशों के हाथों में फंस जाएंगे जो इस पूरे इलाके में अव्यवस्था फैलाना चाह रहे हैं। रूस ने कहा कि दोनों ही एससीओ के सदस्य देश हैं। रूस ने कहा कि ये दुखद है कि ये एससीओ के दोस्त सदस्य देशों के बीच में हो रहा है जिसके जरिए हम रिश्ते विकसित कर रहे हैं। वहीं चीन ने भी इस पूरे मामले में अपनी गंभीरता दिखाई और मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान का कहना है कि अब गेंद ईरान के पाले में है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव भड़कता है तो इससे चीन और रूस दोनों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। चीन ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। वहीं चीन और ईरान के बीच भी अरबों डॉलर की डील हुई है। अमेरिका को मात देने के लिए चीन और ईरान ने हाथ मिलाया हुआ है। वहीं ईरान ने रूस को बड़े पैमाने पर किलर ड्रोन मुहैया कराए हैं जिससे वह यूक्रेन में हमले कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान का तनाव बढ़ता है तो इससे सबसे ज्यादा मुश्किल रूस को होगी। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।